हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मुकुंद पाठक और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मुंबई यूनिवर्सिटी के थ्रू कंडक्ट करने वाले एग्ज़ाम्स के बारे में। यानी कि हम जो बात कर रहे हैं वो है डिस्टेंस ओपन लर्निंग के बारे में, यानी कि जिसको हम बोलते हैं आइडियल। ठीक है, IDOL। तो गाइस, आइडियल के बच्चे मेरे से कब से पूछ रहे थे कि सर टाइम टेबल आया है क्या 6 सेम का या अदर कोर्सेज के। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, अपडेट कर दूं कि आपका टाइम टेबल तो नहीं आया लेकिन आपका डेट आ चुका है, शेड्यूल डेट आ चुका है कि आपके एग्ज़ाम कब से कमेंस होने वाले हैं, स्टार्ट होने वाले हैं। गाइस, अगर आपको टाइम टेबल चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उधर से डाउनलोड कर लीजिए PDF फाइल में। देन गाइस, मैं आपको पहले बता दूं कि आपको क्या करना है कि मुंबई यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो एग्ज़ामिनेशन टाइम टेबल सबसे लास्ट में, और आपको एग्ज़ामिनेशन टाइम टेबल के अंदर ये पूरा चार्ट मिल जाएगा गाइस। तो आप उसे वरी मत कीजिए, आपको सीधा PDF फॉर्मेट में मिल जा रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, राइट। तो इसमें आप देख सकते हो कि 25 कोर्सेज अवेलेबल है, तो 25 कोर्सेज के एग्ज़ाम्स बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं गाइस। और ये किस बेसिस पे होंगे, तो ये गाइस मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन बेसिस पे कंडक्ट होने वाले हैं। ठीक है, ऑनलाइन बेसिस पे, डोंट वरी, मुझे कमेंट करते हुए बच्चे कि पूछते हैं कि सर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो मैं बता दूं आपको कि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। देन गाइस, आपको बस एक स्लॉट सेलेक्ट करना है, कौन से स्लॉट में आपको एग्ज़ाम देना है। 1 आवर्स का एग्ज़ाम्स होता है गाइस ऑनलाइन बेसिस पे। तो चलिए, पहले मैं आपको कोर्सेज के साथ साथ आपका टाइम और डेट बता दूं कि आपके एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होने वाले। जैसे आप देख रहे हो ये मई जून 2022 में एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं गाइस। तो इसमें फर्स्ट वन दिया हुआ है थर्ड ईयर BA फ्रेश एंड रिपीटर्स। याद रखिए, दोनों बच्चे रिपीटर और फ्रेश बच्चे, यानी कि जो न्यूली एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो एनुअल पैटर्न है गाइस, डेट स्टार्ट होगा 5 मई से और टाइमिंग है 9 to 1। ठीक है, थर्ड ईयर BCOM फ्रेश एंड रिपीटर्स, BCOM वाले बच्चे, 5 मई से स्टार्ट होगा और 9 to 1 का टाइमिंग दिया हुआ है सेम। BSc कंप्यूटर साइंस फ्रेश एंड रिपीटर्स, सेम टाइमिंग सेम डेट गाइस। नेक्स्ट वन है गाइस फर्स्ट ईयर BA फर्स्ट ईयर BCOM, ठीक है, एंड फर्स्ट ईयर BSc कंप्यूटर साइंस, और सेकेंड ईयर BA सेकेंड ईयर BCOM सेकेंड ईयर BSc कंप्यूटर साइंस। ठीक है, इसमें रिपीटर्स वाले जो बच्चे हैं फर्स्ट ईयर में, तो उनके एग्ज़ाम्स होंगे 5 मई, टाइमिंग है 9 to 1। नेक्स्ट में गाइस सेकेंड ईयर BA BCOM और BSc कंप्यूटर साइंस, BSc कंप्यूटर साइंस में फ्रेश एंड रिपीटर्स, ठीक है, 5 मई से एग्ज़ाम से, लेकिन इनका टाइमिंग है 2 to 6। ठीक है, नेक्स्ट वन है MA पार्ट वन रिपीटर्स, MA एजुकेशन पार्ट वन रिपीटर्स, MCOM पार्ट वन रिपीटर्स, और MA MSc मैथ्स पार्ट वन रिपीटर्स। इनके एग्ज़ाम 5 मई से है और टाइमिंग है गाइस 9 to 1। क्लियर, तो ये आपका टाइमिंग दिया हुआ है, आप PDF फाइल में डाउनलोड कर लीजिए, देख लीजिए कि आपका डेट कब से स्टार्ट हो रहा है प्रॉपर तरीके से। जैसे ही आपका टाइम टेबल रिलीज़ होता है मैं आपको अपडेट दे दूंगा। नेक्स्ट वन आते हैं गाइस, अभी MSc IT पार्ट वन दिया हुआ है रिपीटर्स के लिए, सेम आपका MSc कंप्यूटर साइंस पार्ट वन रिपीटर्स। ठीक है, तो इनके जो एग्ज़ाम्स है सेम है 5 मई से 9 to 1 के बीच में गाइस। MA पार्ट टू फ्रेशर एंड रिपीटर्स, MA एजुकेशन पार्ट टू फ्रेशर एंड रिपीटर्स, MCOM पार्ट टू फ्रेशर एंड रिपीटर्स, MA MSc पार्ट मैथ्स पार्ट टू, ठीक है, रिपीटर्स। इनके एग्ज़ाम 5 मई से, लेकिन टाइमिंग है 2 to 6। एंड नेक्स्ट थिंग गाइस, यहाँ पे फिर दिया हुआ है MA MSc मैथ्स पार्ट टू रिपीटर्स, ठीक है, एंड MSc IT पार्ट टू रिपीटर्स, MSc कंप्यूटर साइंस पार्ट टू रिपीटर्स। अब जितने बच्चे सब रिपीटर, PGD FM PGD OR M फिर PGD FM, ठीक है, तो ये सब आपके रिपीटर्स वाले बच्चे SAM 1 एंड SAM 2 या Part 1 Part 2 वाले, इनके एग्ज़ाम 5 मई से हैं। ठीक है, और कुछ के एग्ज़ाम 2 to 6 है, कुछ के एग्ज़ाम 9 to 1 है गाइस। तो ये 25 कोर्सेज आपके सामने हैं, ये एग्ज़ाम 5 मई से सबके, ऑलमोस्ट सबके 5 मई से ही स्टार्ट हो रहे हैं आइडियल के। आप यहाँ पे नोट देख सकते हो, आइडियल का नोट है कि आइडियल विल बी कंडक्ट द एग्जामिनेशन ऑफ द एबोव मेंशन प्रोग्राम थ्रू ऑनलाइन मोड।
नेक्स्ट थिंग गाइस कि इसमें सेकंड जो पार्ट है एग्जामिनेशन एंड टाइम टेबल विल बी डिक्लेयर वेरी सून ऑन द वेबसाइट। तो यहाँ पे वेबसाइट दिया भाई, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हॉल टिकट ऑफ द एग्जामिन विल बी मेड अवेलेबल इन द स्टूडेंट्स एडमिशन फॉर्म एग्जामिनेशन फॉर्म लॉग इन 4 days बिफोर द रिस्पेक्टिव एग्जाम्स, यानी कि 5 May से 4 दिन पहले, यानी कि 1 May को आपको लॉग इन करना है और आपका हॉल टिकट आ जाएगा गाइस। देन आइडोल विल कंडक्ट द ऑनलाइन मॉक टेस्ट फॉर ऑल द एग्जामिनेशन 3 days बिफोर द रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन। मॉक टेस्ट इज कंपल्सरी। तो आपका जो मॉक टेस्ट होगा गाइस वो एग्ज़ाम से 3 दिन पहले होगा, यानी कि आपका अगर 1 May पे क्या होगा कि आपका हॉल टिकट आएगा तो 2 May से आपका मॉक टेस्ट ऑनलाइन बेसिस पे कंडक्ट होगा और ये कंपलसरी आपको देना ही है, अदरवाइज आपका मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। तो बेसिकली गाइस आइडोल का सिर्फ शेड्यूल आया है एग्ज़ाम का, जैसे कोई अपडेट आता है मैं आप तक पहुँचाते रहूँगा। तो बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा गाइस। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। और जैसे ही आपका टाइम टेबल आता है गाइस मैं डेफिनेटली आप तक पहुँचा दूंगा। एंड अगर आपको ये शेड्यूल डेट डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, PDF फाइल में आपको मिल जाएगा, और मुंबई यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए गाइस इस वीडियो में बस मुझे इतने ही अपडेट देना था कि आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो 5 May से स्टार्ट हो रहा है। सबकी एग्ज़ाम डेट जितने 25 कोर्सेज मैंने बताए और जितने 25 कोर्सेज मुंबई यूनिवर्सिटी ने सर्कुलेट किया हुआ है, ठीक है। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।